उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की नई व्यवस्थाओं से खुश बाबा महाकाल के भक्त, किसी ने दान किए लाखों रुपए तो किसी ने दान दी चमचमाती वैन। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का होगा विस्तार, विशालाक्षी देवी मंदिर तक बढ़ाई जाएंगी सीमा। काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों को राज्य कर्मियों का ओहदा देने की तैयारी, प्रस्ताव को मंडलायुक्त ने दी हरी झंडी। श्रीलंका से आ रही प्रभु श्री राम की चरण पादुका उन सभी स्थानों से होकर गुजरेगी जहां भगवान राम वनवास काल में रुके। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु यहां की नई व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। महाकाल की कृपा और मंदिर व्यवस्था से प्रभावित होकर दिल्ली से दर्शन करने आए एक परिवार ने बाबा महाकाल के श्री चरणों में 2,50,000 रुपए के चेक के साथ ही 51,000 रुपए नगद बाबा के सम्मान में अर्पण किए। इसके साथ ही दिल्ली के एक दूसरे भक्त ने महाकाल की सेवा में चमचमाती वैन भी भेंट की है, जिसे मंदिर प्रबंध समिति पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब गंगा द्वार से मुख्य सड़क तक काशी विश्वनाथ धाम के स्वरूप का विस्तार किया जाएगा और इसी के तहत धाम के गेट नंबर 4 पर पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। इसके लिए गंगा द्वार की ओर से 12,000 वर्ग फीट जमीन खरीदी गई है। इस नई व्यवस्था के बाद धाम की सीमाएं माता पार्वती के स्वरूप में विराजमान विशालाक्षी देवी मंदिर तक पहुँच जाएंगी और गलियों से घिरे काशी पुराधिपति के आंगन तक एक नया कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के कर्मचारियों को जल्द ही राज्य कर्मियों का दर्जा मिल सकता है। इसके तहत मंदिर कर्मियों को राज्य कर्मियों की तरह सारी सरकारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। मंदिर के अर्चकों यानी पुजारियों को भी उसी श्रेणी में रखा गया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक की अगुवाई में गठित 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है। इसके लिए बनी सेवा नियमावली को बनारस के कमिश्नर की हरी झंडी मिल चुकी है। अंतिम स्वीकृति के लिए जल्द ही मंदिर के न्यास बोर्ड की बैठक होगी। प्रभु श्री राम के लिए श्रीलंका से चरण पादुका आ रही हैं और जगह जगह पादुका का पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस हेतु निकाली गई राम राज्य युवा यात्रा चरण पादुका लेकर चित्रकूट पहुंची, तो वहां पर पादुका का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। यात्रा में शामिल एक सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका शुभारंभ श्रीलंका की अशोक वाटिका स्थित सीतापुरम मंदिर से किया गया। यात्रा का समापन अयोध्या पहुंचकर होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन को खास बनाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर अहमदाबाद तक राम भक्तों में उत्साह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों को सरकार फूलों से और रंग बिरंगी रोशनी से सजाएगी। बिहार के करीब 4,000 मंदिरों सहित पटना के 201 मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश के सभी राज्यों के छोटे बड़े मंदिरों में किसी न किसी रूप में यह आयोजन मनाया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में स्थापित होने वाली मूर्ति 51 इंच की और श्याम रंग की होगी। बाल्यकाल में श्री राम श्याम वर्ण के थे, इसीलिए उनकी मूर्ति के निर्माण में काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। 22 जनवरी को प्रभु राम की बाल्यकाल की प्रतिमा की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो 12:29:08 से 12:30:32 तक अर्थात कुल 84 सेकंड की होगी। Thank you.